तो बहुत मस्ती बहुत मजाक हो गया न्यूयॉर्क में, अब हो जाते हैं थोड़ा सा सीरियस, और सीरियस होते हैं इमेजिंग के बारे में। आप देख रहे हैं नोकिया इमेजिंग यानी कि कैमरा फोन्स में पहले ही बहुत माना हुआ है, लेकिन आज उनका प्रॉमिस ये है कि उनका जो नया फ़ोन आ रहा है नोकिया लूमिया 1020, कोई भी कैमरा फ़ोन आपने आज तक इस्तेमाल किया है इस फ़ोन के सामने फेड आउट हो जाएगा। तो नोकिया लूमिया 1020 का प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू ही होने वाला है, आइए चलें। तो नोकिया लूमिया 1020 के द्वार खुल चुके हैं, अब मैं आपको दिखाऊंगा सचमुच इस फोन के और इसके कैमरा की कैपेबिलिटीज क्या हैं। नोकिया लूमिया 1020 के बारे में कई सारे कयास लगाए गए, खबरें आई, लेकिन अब ये फोन आपके सामने है। अगर दूर से देखेंगे तो लूमिया 920 जैसा ही दिखता है। प्रीमियम पॉलीकार्बोनेट से बनी इसकी बॉडी है, इसमें 4.5 इंच की एमोलेड डिस्प्ले है, साथ में 1280x768 रेजोल्यूशन, साथ में है क्लियर ब्लैक फिल्टर जो आउटडोर में चमक को कम करता है। इसमें 1.5 GHz का डुअल कोर प्रोसेसर है, वहीं 32 GB की इनबिल्ट मेमोरी है। आप मेमोरी बढ़ा नहीं सकते, जो हमें लगता है कि एक बड़ी गलती है, लेकिन इस पर बाद में बात करेंगे। अगर आप ये मानते हैं कि इस फोन की जो स्पेसिफिकेशन है वो इसे खरीदने लायक नहीं बनाती, तो हम आपको 41 वजह बता सकते हैं कि आप क्यों इस डिवाइस को खरीदें। और ये है 41 मेगापिक्सल का लेंस जो कैमरे के बैक में है और वाकई इस डिवाइस को खास बनाता है। ऑप्टिक्स शानदार हैं, आप बिना इंतजार के जूम करना चाहेंगे। 6 लेंस, 1 ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन और सेंसर। ये फोन फोटोग्राफी की सारी अच्छी खूबियां लेकर आया है। आप फोटोग्राफी का अनुभव डैशबोर्ड के साथ शुरू कर सकते हैं। इसकी मदद से आप शटर स्पीड, ISO और एक्सपोजर लेवल को एडजस्ट कर सकते हैं। वहीं आप जो भी बदलाव करते हैं आपको स्क्रीन पर दिख जाता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ISO में बदलाव से क्या होता है या स्पीड बदलने से तस्वीर पर क्या असर पड़ता है, तो आपके पास मौका है। इसके बारे में जानकारी ये फोन आपको देता है। फोन में डुअल कैप्चर मोड है। आप जब एक तस्वीर खींचते हैं तो फोन 2 तस्वीरें लेता है, एक 5 मेगापिक्सल सेंसर से जिसे आप सोशल नेटवर्किंग साइट या ईमेल के जरिए शेयर कर सकते हैं, वहीं दूसरी तस्वीर 41 मेगापिक्सल से इसे आप जितना चाहे जूम कर सकते हैं। जैसे न्यूयॉर्क स्काईलाइन की इस तस्वीर पर आप तब तक जूम कर सकते हैं जब तक आपको ये पीली गाड़ी सड़क पर न दिख जाए, जिसे आप ऐसे तो कभी नहीं देख सकते। ये ऑप्टिक जूम से ज्यादा बेहतर तरीके से काम करता है। इस कैमरा फोन ने फोटोग्राफी को एक नया आयाम दिया है। अभी तक फोटोग्राफी का मतलब था पहले शॉट बनाइए क्लिक करने से पहले, लेकिन इसके साथ आप फोटो लेने के बाद उसे परफेक्ट बना सकते हैं। इस फोन के साथ आप जितनी चाहे तस्वीरें ले लें, बाद में उसे एडिट कर लें। तो जब तक ये लड़की कॉफी पी रही है, आप तस्वीर के ओरिएंटेशन को बदल सकते हैं और इस तस्वीर को सेव कर सकते हैं। कई और ट्रिक्स हैं इसमें। ब्लर ऑप्शन की मदद से आप इमेज के एक हिस्से को धुंधला कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आप फोटो में सबसे अच्छे चेहरे को चुन सकते हैं जिससे आपके दोस्त तस्वीर में सबसे अच्छे लगे। और भी बहुत कुछ है। रिमूव इफेक्ट की मदद से आप बैकग्राउंड से बिना जरूरत की चीज हटा सकते हैं। नोकिया को उम्मीद है कि नोकिया प्रो कैमरा की मदद से उस आदमी की ज्यादा अहमियत होगी जो कैमरा के पीछे होगा। इस फोन की मदद से क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी। लूमिया 1020 ने स्मार्टफोन में फोटोग्राफी को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। नोकिया लूमिया 1020 की कीमत AT&T के कॉन्ट्रैक्ट के साथ $299 है। फोन ने नोकिया इंडिया की वेबसाइट में जगह बना ली है। उम्मीद करनी चाहिए जल्द ही ये फोन भारत में आ जाएगा। तो ये था वर्ल्ड लॉन्च नोकिया लूमिया 1020 का, एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत इंटरेस्टिंग आउट ऑफ द बॉक्स कैमरा फोन, 41 मेगापिक्सल्स, और उसके साथ बहुत सारे ऐसे फीचर्स जो शायद आपने कैमरा फोन में कभी नहीं सोचा था कि आएंगे। तो यह है 1020, इसका रिव्यू करेंगे। मेरे हाथ में ये भी है, ये है नोकिया लूमिया 1020 का कैमरा ग्रिप। आप फोन लें, मटेरियल बिल्कुल सेम है फोन के जैसा। आप इसको इसके अंदर स्नैप इन करें और इमीडिएटली एक बज की साउंड आती है। इससे बैटरी लाइफ भी इसकी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अब मेरे हाथ में इसकी जो फीलिंग है एक परफेक्ट कैमरा की है। स्टेबल है बिल्कुल, बैटरी लाइफ भी इससे बढ़ जाती है। यहाँ पे एक डबल शटर लॉक है, यानी कि जूम के साथ आप इसको लॉक कर सकते हैं, और सारे फीचर्स आ जाते हैं एक नॉर्मल स्टैंड अलोन कैमरा के। तो आइए अब आपको दिखाते हैं रिव्यू और डेमोन्स्ट्रेशन नोकिया लूमिया 1020 का, उसके कैमरा ग्रिप का, साथ में आपको मैं बहुत इंटरेस्टिंग फोटोज दिखाऊंगा जो इसके साथ लिए गए हैं, और एक बहुत ही कमाल का वीडियो। लूमिया 1020 अपनी बेहतरीन फोटोग्राफी के लिए तो मशहूर हो ही रहा है, वहीं नोकिया आपको एक और वजह दे रहा है इस फोन को खरीदने के लिए। ये है कैमरा ग्रिप, एक एक्सेसरी जो एर्गोनॉमिक्स को बेहतर बनाकर ज्यादा स्टेबिलिटी देता है जब आप तस्वीरें खींचते हैं।
ये ट्राइपॉड माउंट की तरह भी काम करता है, यानी आप बेहतर फोटोग्राफी के लिए ट्राइपॉड जोड़ सकते हैं। ये उसी मटेरियल का बना है जिसका फोन बना है और इसमें बहुत अच्छी तरह लूमिया 1020 फिट हो जाता है। ग्रिप के साथ आपको एक कैमरा बटन भी मिलता है जो फोन कैमरा के लिए टू स्टेप शटर बटन की तरह काम करता है। जब आप फोन को प्लग इन करते हैं तो ये वायरलेस चार्जर की तरह काम करता है। ये आपके फोन में कभी बैटरी की कमी नहीं होने देगा। इसकी कीमत $79 यानी लगभग ₹5,000 है। नोकिया लूमिया 1020 में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप एक ही पिक्चर से बहुत सारी कहानियां निकाल सकते हैं, और एक और नया कॉन्सेप्ट जो शायद इमेजरी और फोटोग्राफी में पहले कभी नहीं सोचा गया। आज अगर आप एक पिक्चर लेते हैं तो कैसे लेते हैं, पहले आप उसको जूम करते हैं, फिर उसका एक परफेक्ट फ्रेम बनाते हैं, फिर आप क्लिक करते हैं। लेकिन अब इस कैमरा और इस कैमरा फ़ोन के साथ आप कहीं पे भी कोई भी पिक्चर ले लें, उसके बाद में आप जाके सेटिंग चेंज कर सकते हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, बिल्कुल पीछे एक फ़ोटोग्राफ है, उसमें से कितनी कितनी नई कहानियां निकाली गई हैं ये यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट हुआ है, और यही डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको अभी यहाँ पे दूंगा। आपके पास आ जाता हूँ। ये है एक नॉर्मल पिक्चर जो ली गई है, आप देख रहे हैं ये दोनों यहाँ पे हैं, लेकिन एक स्टोरी है यहाँ पे, क्योंकि मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये जो गिटार प्ले कर रही हैं और इनके हाथ में एक कैमरा है, ये एक स्टोरी हो जाती है। फिर बाहर जाते हैं तो ये जो दोनों लोग हैं जो मेन हैं इसमें, इसको अगर हम जूम इन करें तो आप देखेंगे ये दोनों एक दूसरे को चेकआउट कर रहे हैं और क्लोजअप में आपको दिखता है। लेकिन ये तो पास का हुआ, आप बहुत दूर देख रहे हैं एक रेड डॉट है। इस रेड डॉट को अगर मैं जूम करता हूँ तो आप देख रहे हैं ये लाल टी शर्ट में कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, जो पहले नहीं पता था हमें। फिर बाहर जाते हैं तो एक पेड़ के नीचे दो लड़कियाँ और बैठी हैं जो आपको अभी नहीं दिख रहा। मैं इसको जूम करता हूँ, ये देखिए और पास आ सकते हैं, ये दोनों बैठी हैं यहाँ पे। लाइटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आपको लगता है इसका एंगल बोरिंग है तो आप एंगल को भी चेंज कर सकते हैं। और ये देखिए बिल्कुल ब्रांड न्यू एंगल आ गया। तो एक पिक्चर बहुत सारी कहानियाँ। तो बहुत सारी कंपनीज बहुत सारी बातें करती हैं अपने प्रोडक्ट्स की, लेकिन एक्चुअल प्रूफ आता है जो होगा अब। ये है अलेक्सा, ये करेंगी पार्कोर मेरे साथ, और उन्होंने ये भी कहा है कि जब ये सब हो जाएगा तो मुझे भी सिखाएंगी कैसे करना है। लेकिन अभी मैं लूँगा एक्शन शॉट्स जब ये यहाँ से वहाँ तक जंप करेंगी। क्या क्या इस कैमरा की कैपेबिलिटीज़ हैं अब पता चलेंगी। अलेक्सा ऑल योर्स। ओके गो। वो तो अब मैंने फ़ोटोज़ तो ले ली हैं, देखिए क्या आया है। सबसे पहले है एक्शन शॉट। इसमें आप देख रहे हैं जो भी अलेक्सा ने किया वो फ्रेम बाय फ्रेम आ रहा है, और इसमें आप ऐड और सबट्रैक्ट कर सकते हैं कि आपको इसमें क्या चाहिए, क्या इसमें आपने ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है, कौन सा फ्रेम होना चाहिए, कौन सा आपने निकालना है। और आप इसको फेड आउट फेड इन भी कर सकते हैं, जैसे कि फेड ऑन फेड आउट है कि कुछ इमेजेस आपको दिख रही हैं कुछ फेड आउट हो रही हैं। और उसके बाद है अगला मोशन फोकस। इसमें बैकग्राउंड बिल्कुल ब्लर्ड है टोटल एक्शन शॉट में, और इसमें भी आप चेंज कर सकते हैं कि जो आपका जो सब्जेक्ट है वो कहाँ पे है और कौन से एरिया में आप उसको लेना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ।